बताइए क्या क्या आपने प्रयास किया अपने स्कूल में और कैसा लग रहा है अवार्ड मिलके आपको? अवार्ड मिलके तो सर हमेशा अच्छा ही लगता है सबको ही, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मैंने अवार्ड के लिए नहीं किया था, मुझे बस अपने बच्चों की पीड़ा थी बहुत ज़्यादा। जी मैम, मेरे स्कूल में केवल एक बरामदा और दो कमरे ही थे, उससे 5 क्लासेस बैठती थी, फिर उनकी पढ़ाई उस हिसाब से नहीं हो पाती थी, तो मुझे बहुत दुख होता था। मैंने शासन से भी प्रयास किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, तो मैंने NGO के द्वारा वहाँ पर दो, एक बड़ा हॉल और जिसमें दो क्लासेस बैठ सकती है पार्टीशन करके, और ऊपर एक कंप्यूटर रूम बच्चों के लिए बनवाया था। उन्होंने हमारे यहाँ उसमें कंप्यूटर भी रखवाए थे एंड झूले वगैरह भी लगवाए थे। लगभग 7 लाख के करीब वो ब्लॉक उन्होंने पूरा बना करके हमें दिया था। अब हमारे बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से होती है, तो वो अपने अपने अलग अलग स्थान पर बैठते हैं। पहले जैसे डिस्ट्रिक्ट में बैठते थे 4 और 5 एक साथ, तो एक पहली और दूसरी एक साथ, तो उसी हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पाती थी उनकी फीस के बाद। ये जो मैम आपने प्रयास किया, स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ा, बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी है? सर बहुत फर्क पड़ा। हालांकि मेरा स्कूल अभी भी मतलब जगह तो उतनी है जितनी पहले थी, तो छोटा ही है, तो मैं लिमिटेड ही रखती हूँ बच्चे, लेकिन फर्क इतना ज़्यादा पड़ा है कि हम लोगों ने अकेडमी भी बहुत काम किया, नवाचार भी किए, तो उसमें हम बच्चों को पूरे साल के लिए 5 बच्चे चुनते थे परफॉर्मर ऑफ द ईयर, उनकी फोटो हम डिस्प्ले पे लगाते हैं हर साल, और एक ऑलराउंडर ऑफ द ईयर चुनते हैं, तो उसको 500 रुपये की छात्रवृत्ति भी मैं अपनी तरफ से देती हूँ। तो उससे फर्क ये पड़ा सर कि जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे थे, हम लोग क्योंकि बच्चों से इंग्लिश का भी थोड़ा सा हम लोगों ने जोर दिया है, तो प्राइवेट स्कूल के कम से कम 30-32 बच्चे अब हमारे विद्यालय में आ गए हैं, तो विद्यालय को छोड़ के अपने। तो प्रयास यही है कि सरकारी स्कूलों की जो दशा खराब रही है अब तक, ये माना जाता था अरे सरकारी स्कूल है तो, और हम ये चाहते हैं कि हमारा स्कूल प्राइवेट स्कूल की टक्कर का हो, तो उसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहती हूँ, जो भी जहाँ से भी जब NGO की तरफ ज़्यादा देखती हूँ क्योंकि शासन से तो देखिए लिमिटेड। जी बिल्कुल बिल्कुल, विभाग तो हाँ, तो जो भी होता है बच्चों के लिए गर्म स्वेटर्स हैं या जूते हैं, जो कुछ भी करके जो उनके नीड्स होती है, बेसिक नीड्स हैं, क्योंकि लेबर तबका ऐसा है, जी, लेबर तबका अपने बच्चों के लिए उस हिसाब से सब कुछ नहीं दे सकता। हम ड्रेस दे सकते हैं तो बाकी चीज़ें नहीं दे सकता, तो हम NGO से रिक्वेस्ट करते हैं इस चीज़ के लिए कि वो बच्चों को स्वेटर्स या जूते या टाई या कुछ कैप्स वगैरह वो दें, और वो हमारी हेल्प करते भी हैं क्योंकि वो हमारे विद्यालय में आते हैं, हमारे बच्चों से टॉक करते बात करते हैं, जब उन्हें संतुष्टि होती है कि हाँ सचमुच ये शैक्षणिक स्तर पर स्कूल अच्छा है, तो वो हमारे विद्यालय में सब करने की कोशिश करते हैं। और आगे भी मेरा निरंतर ये प्रयास रहेगा कि मैं ये सब करती रहूँ अपने बच्चों की भलाई के लिए स्कूल की, जो कि उनसे बनेगा। बहुत खुशी की बात है मैम, और जनपद हरिद्वार का आपने नाम रोशन किया, इसके लिए हमें भी बहुत गर्व है, और आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।